नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल केटी ज्ञान में। नमो नारायण। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। मेरा पहले का जो वीडियो था वो अप्सरा साधना में था, मुझे रिक्वेस्ट आई थी, इस वजह से मैंने बहुत सारी वीडियो बनाने का निर्णय लिया है इसके बारे में, क्योंकि आजकल के युवा जो हैं बहुत भ्रमित हो रहे हैं। मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसा नहीं है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी जानकारी दूं, आधी अधूरी नहीं कि बस ऐसे कर लो ऐसे कर लो, पूरा विधि विधान के साथ। 36 प्रकार की यक्षिणी होती हैं जो अप्सरा के ही योनि से ही प्रवेश करती हैं, और अप्सरा ही की योनि होती हैं एक्चुअली में। ये देखिए, अप्सरा, नाग कन्याएं और यक्षिणियाँ, ये याद रखिएगा, ये लोग सौम्य होते हैं, कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये लोग असुर नहीं होते हैं, राक्षस नहीं होते हैं, देवी गुण इनके अंदर होता है। 36 प्रकार की यक्षिणियों में से आज मैं आपको पहली यक्षिणी, सुर सुंदरी यक्षिणी के बारे में बताऊंगा। अप्सरा ही है, पैसे से रिलेटेड आपकी सभी समस्याओं का समाधान यह कर देती है और खूब सारा धन धान्य देती है। लेकिन मुझे बहुत सारे कमेंट्स मेरे पहले के वीडियो में आ रहे थे, उसमें मैं आपकी सभी जिज्ञासाओं को इस वीडियो में पहले शांत कर देता हूँ, फिर मैं अपने टॉपिक पे आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले तो जान लीजिए कि जब भी हम स्पेल करते हैं, यानी हम जब भी इस साधना को करते हैं, तो एक अंतरिक्ष में, यानी एक स्पेस में, एक ब्रह्मांड में एक पटल खुलता है, एक द्वार खुलता है हमारे स्पेल के द्वारा, जो हम स्पेल करते हैं। अब उस द्वार में से यक्षिणी और अप्सरा तो बाद में आएगी, लेकिन बहुत सारी असुरी प्रवृत्ति को भी आप खींच सकते हैं। दूसरी बात है कि किसी भी इंसान को यह साधना नहीं करनी चाहिए। यह साधना सिर्फ और सिर्फ दुर्गा माँ शिव भक्त के उपासकों के लिए है, या फिर वो सभी लोग जिन्होंने कभी ना कभी भगवान की प्रार्थना की है या करते हैं। जो लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ प्लीज़ इन साधनाओं पे आप ना ही जाएं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि साधना आम इंसान के लिए नहीं होती है। ये मेरे वचन जो हैं कठोर हो सकते हैं, लेकिन यही सच है। जो भी आपको यूट्यूब में ऐसा बोल रहा है ये कर लो वो कर लो, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा है। साधनाएं हमेशा कठिन होती हैं, इसीलिए वो साधना है, वो कोई मंत्र नहीं है कि बस आपने उठाया और करने लग गए। अगर आपको भक्ति करनी है तो आप कैसे भी कर सकते हैं, उसका कोई रूप नहीं होता है, उसका कोई समय नहीं होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है, कहीं भी बैठ के राम नाम जप सकते हैं। लेकिन साधनाओं में विशेष विधि विधान का निर्णय होता है। अगर आप काली की भी साधना करते हैं तो, अगर काली माँ की पूजा करते हैं तो ये एक अलग बात है, लेकिन अगर आप साधना करते हैं तो आप अपने कठिन परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। बहुत से लोग, मैं देख रहा हूँ कि मेरे पहले के वीडियो में भी ये कमेंट करते हैं कि काली माँ है, जगत जननी है। मेरे भाई, आप साधना करने जा रहे हो, साधना का मतलब समझते हो, आप किसी को साध रहे हो किसी भी चीज़ को, तो साधने का मतलब ये नहीं होता है कि वो इंसान आपकी माँ है और पिता है, वो आपकी परीक्षा नहीं लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो सैकड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, साधनाएँ करते हैं, मंत्र करते हैं, पूजा करते हैं, आप उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी करिए प्रार्थना, किसने मना किया है। अगर आप साधनाएं करते हैं तो आप साधते हैं, और साधते हैं तो फिर इतनी आसानी से ये सब चीज़ें सजती नहीं हैं और आपकी कठिन परीक्षा लेंगी, तो ये सच है। दूसरी चीज़ है कि जब भी आप साधना करते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है कि साधना करने से पहले दो बातें आपको जान लेनी है। एक, पहले हमेशा अपने आसपास घेरा बनाइए, मैंने पहले के कई सारे वीडियो में बताया हुआ है। तो हमेशा साधना करने से पहले राम रक्षा स्त्रोत का पाठ पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ पाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 बार हनुमान चालीसा, 3 बार बजरंग बाण पढ़ के एक पानी में छुरी चाकू जिसे बोलते हैं नाइफ में ऐसे डुबाइए और अपने आसपास घेरा खींच दीजिए। एटलीस्ट जब भी कोई शक्ति आएगी तो आपका अहित नहीं करेगा, भले आप देख के उसको डर जाओगे, गिर जाओगे, बेहोश हो जाओगे, अलग बात है, लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएगी, उस रेखा को फांद नहीं पाएगी। तो आपको पहले से ही एक कलश रख लेना है पानी का और चाकू रख लेना, उसके बाद फिर ये हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण जो मैंने बताया है, 3-3 बार करना है, और उसके बाद उसमें चाकू ऐसे नाइफ घुमा के अपने आसपास खींच देना है। ये आपका एक काम डन हो जाता है।
अगली बात आती है कि अगर कोई ऐसी शक्ति आ जाती है तो फिर हम उससे कैसे पार पाएंगे। तो ऐसी शक्ति मेरे दोस्त भाई आएगी ही नहीं अगर आपके दिमाग में निगेटिव ख्याल नहीं आता है। और दूसरा, पहले ही बोला हुआ है, जितने भी ये सब साधनाएं हैं, ये सब तंत्र साधनाएं होती हैं, और ये सब जो महाकाल देवता हैं हमारे डामर तंत्र के, क्रोध भैरव महाराज उनके अधीन है। जो कोई भी इंसान क्रोध भैरव का मंत्र 108 बार करता है, ये सभी जितनी भी साधनाएं होती हैं सफल हो जाती हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, कभी भी उनको असुरी शक्तियाँ परेशान नहीं करती हैं। अगर आप ये सब नहीं करते हैं और डायरेक्ट चालू कर देते हैं, तो आप एक बात याद रखिएगा कि आप क्रोध भैरव के भी कोप का भाजन होंगे। सबसे लास्ट में, इस मेरी आज की साधना को शुरू करने से पहले, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी इंसान मुझे कमेंट्स कर रहा या कहीं पे भी कमेंट करता है कि ये सभी साधनाएं, कोई जल्दी की साधना बताओ 2 दिन में 3 दिन में, मेरे भाई ऐसी कोई भी साधना नहीं है। चाहे आप मुझे कितना भी करोड़ों रुपए दे दो, लेकिन साधना नहीं होती है इतनी जल्दी। तो आप भ्रमित मत होइए। साधना का मतलब होता है, सबसे पहले आपको अपने आप में नियंत्रण होना चाहिए। ऋषि मुनि लोग इतने समय से कठोर साधना करते रहते, उनके शरीर पे फफूंद लग जाती है, दीमक खा जाता है, तब भी वो लोग पार नहीं कर पाते। और आप सोचते हो कि 2 दिन में आपके सामने अप्सरा आपकी गोदी में आके बैठ जाए, वाह जी वाह। ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे भाई। आपको सबसे पहले अपने शरीर को साधना पड़ेगा। काम वासनाओं से घिरना नहीं है आपको। दूसरी चीज़ है भगवान पे पूर्ण विश्वास। तीसरी चीज़ है जो गुरु आपको सिखा रहा है उस पे विश्वास। और चौथी चीज़ है कि जो भी आप साधना कर रहे हो उसका सही विधि विधान सही पालन करना। ऐसा नहीं है कि स्फटिक की माला बताई तो आप बोलने लगे कि नहीं मैं रुद्राक्ष के लिए लेता हूँ, रुद्राक्ष की बताई तो मैं हकीक के लिए लेता हूँ। नहीं, साधना मतलब साधना, इसमें किंतु परंतु बट नहीं चलता है। और आपको सबसे पहले धैर्य रखना है। धैर्य, अगर एक बार आपकी साधना नहीं पूरी हो पाती है, असफल हो जाती है, तो फिर अगेन करिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले आपने साधना की वो बिल्कुल बेकार चली गई। मैंने फिर बोल रहा हूँ, स्पेल और मंत्र आपके कभी भी बेकार नहीं जाते हैं। वो आपके शरीर में आपको एनर्जी और ऊर्जा दे देते हैं, वो अपना काम दिखा देते हैं, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन वो काम हो जाता है। चलिए, बिना कोई समय गवाए आज के अपने इस सुर सुंदरी साधना को स्टार्ट करते हैं। सुर सुंदरी साधना, जैसा कि नाम है, काफ़ी सुंदर होती है। लाल कपड़े पहने हुए, बहुत ही साफ सुथरी, ऐसी सुंदर कि उसके सामने जगत का जितना भी प्रकाश है सब धूमिल हो जाएगा। सारे पुष्प, जितने प्रकार के पुष्प खिलते हैं उनकी खुशबुएं भी उनके सामने शर्मा जाएंगी। ऐसी सुर सुंदर यक्षिणी है, जब ये प्रसन्न हो जाती है तो अपने साधक को हर सफलता देने की पूरी कोशिश करती है और धन धान से भर देती है। इसे आप 3 तरीके से सफल कर सकते हैं। पहला माता के रूप में, दूसरा प्रेसी के रूप में, और तीसरा बहन के रूप में। अगर आप माता के रूप में करते हैं तो आपको नाना प्रकार के आभूषण देती है, यानी बहुत सारा ज्वेलरी, पैसा, रुपया सब देती है। अगर आप बहन के रूप में करते हैं तो ये आपको खूब सारे खाने पीने का सामान और रोज़ 3 जोड़ी कपड़ा, रोज़ की बात कर रहा हूँ, 3 जोड़ी कपड़े दान करती है। अगली बात आती है, अगर आप प्रेसी के रूप में करते हैं तो फिर ये आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, आपके साथ शारीरिक संबंध भी बनाती है और आपकी आजीवन पत्नी जैसी सेवा करती है। अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, जब भी हम कोई साधना करते हैं तो हमारा सामाजिक कार्यों से कोई भी वास्तविकता नहीं रह जाती है और हम हमेशा अपने स्वार्थ के लिए ही करते हैं। और यही सच है साधना का, क्योंकि हर इंसान या तो सुंदर लड़की चाहता है, या तो पैसा चाहता है, या लाइफ में कुछ तरक्की करना चाहता है अपने लिए। तो ये सच है, चाहे आप कमेंट में लेके कितना ही बोल दें मैं समाज सेवा के लिए करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे इस साधना को करना है। रविवार के दिन शिवजी के मंदिर में जाके या फिर नदी किनारे जाके, दोनों में से एक चूज़ करना है। अब आप चूज़ कर लीजिए, या तो शिवजी का मंदिर या नदी के किनारे पे जाके 3 मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, वो मंत्र आपको करने हैं 108 बार। नदी किनारे याद रहे या शिवजी के मंदिर में 108, यानी एक माला, ये करना है आपको संडे यानी रविवार में। पहला मंत्र है ओम रुद्राय नमः, दूसरा मंत्र है ओम त्र्यंबकाय नमः, तीसरा मंत्र है ओम त्रिलोचनाय नमः। यह
मंत्र करने के बाद आपको अपने घर आ जाना है और उसके बाद खीर बनानी है घर में और 5 कन्याओं को वो खीर उस दिन खिला देनी है। ये आपका काम हो गया है आज का, रविवार का, डन। अब कल मंडे से यह साधना स्टार्ट होगी। उससे पहले आपको किसी भी वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ या फिर पीपल के पेड़ में कोई भी शंकर भगवान की मिट्टी की, जितनी आपकी श्रद्धा, जितने आपके पास पैसे हैं, उसकी मूर्ति स्थापित कर देनी है और उनसे आग्रह करना है कि हे भगवान, शिवजी भगवान, हे कालों के काल महाकाल, हे क्रोध भैरव, मेरी इस साधना को आप संपूर्ण बनाइए, पूर्ण करिए और मेरी जो मनोकामना है उसको पूर्ण करने की कोशिश करिए। भगवान महाकाल दयालु हैं, आपकी बात सुन लेंगे, लेकिन आपका मन साफ होना चाहिए और आपका जो उद्देश्य है वो सही होना चाहिए। उसके बाद आपको 10 माला आपको कुबेर के मंत्र की करनी है। कुबेर का मंत्र क्या है? ओम यक्षराज नमस्तुभ्यं शंकरो प्रिय बांधवा काल काले महाकाले यक्षिणी वसगाम कुरु। ये आपको 10 माला सिर्फ पहले दिन ही करनी है, सोमवार को, ज़्यादा बार नहीं करनी है, हर दिन नहीं करनी है ये माला, ठीक है। 10 माला यानी 108 × 10 बार ये मंत्र पढ़ना है आपको, सिर्फ एक बार पहले दिन। उसके बाद आपको 11 माला रोज़ की करनी है, 1 महीने तक, 30 दिन तक करनी है। 31वें दिन जो होता है, सुर सुंदरी यक्षिणी आपके सपने में या आपके सामने या किसी भी रूप में आ जाएगी और आपसे आवाहन करेगी कि मुझे क्यों बुलाया है। मंत्र आपको ये दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसमें कोई भी विधि विधान नहीं है, ये याद रहे, आप अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन जो पहले का कार्यक्रम है वो उसी हिसाब से ही करना है। कपड़े आपके लाल रहेंगे, आसन आप बैठ जाइए और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करना है, सुर सुंदरी की मूर्ति की स्थापना, इसमें कोई ऐसा विधि विधान नहीं, बहुत ही सरल विधि है, लेकिन इसमें मंत्रों का उच्चारण होगा। याद रहे, इस समय में अपने दिमाग में उटपटांग ख्याल मत लाइएगा, वरना आप निगेटिव एनर्जी को घसीट लेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे। ये याद रहे, मंत्रों में, स्पेल में आपका जो मन है, माइंड है, वो अफर्मेशन बहुत ही पॉजिटिव होनी चाहिए कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ और मेरा क्या उद्देश्य है। अब मैं बात करता हूँ, 2 मंत्र हैं सुर सुंदरी के, जिसमें से कोई भी आप एक मंत्र चूज कर सकते हैं और उसकी 10 माला करनी है। जब आपके पूरे 30 दिन हो जाएं तो 31वें दिन फिर 5 कन्याओं को भोजन करा दीजिए, यानी भोजन नहीं, सॉरी, खीर खिला दीजिए, भोजन ही हो गया वो, खीर खिला दीजिए, प्रसाद चढ़ा दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे उसी रात में ही आपका काम बन जाएगा, आपके सपने में दर्शन हो जाएंगे। पहला मंत्र है ओम आगच्छ सुंदरी ह्रीम ह्रोम स्वाहा। पहला मंत्र है ओम आगच्छ सुर सुंदरी ह्रीम ह्रोम स्वाहा। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीम आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। जब भी सुर सुंदरी आपके सामने आके आपसे इच्छा पूछती है सपने में, तो आपको साफ मन से कहना है कि हे सुर सुंदरी, हे माता, हे जगत जननी, मैंने आपकी प्रार्थना अपनी दरिद्रता का नाश करने के लिए की है, कृपया करके मुझ पे अपनी छाया बनाइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी सारी दरिद्रताओं का नाश हो जाए, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मेरा उद्धार करें। इसके अलावा आपको ऊटपटांग कोई चीज़ नहीं मांगनी है। ऊटपटांग चीज़ों के लिए और भी साधनाएं आएंगी जो मैं बताऊंगा। 36 साधनाएं होती हैं, सब अलग अलग, अब साधनाएं आपके सामने बहुत मैं लाऊंगा। आज के लिए मेरा ये वीडियो पर्याप्त है। अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस जेन्युइन होना चाहिए, तभी मैं आंसर करूंगा। ऊटपटांग क्वेश्चंस के आंसर मैं नहीं देता हूं और ना मैं दूंगा, ठीक है। भगवान महाकाल की प्रार्थना आपको पहले करनी है, यानी क्रोध भैरव का मंत्र हर साधना में करना है और अपने आसपास एक घेरा बना लेना है हमेशा। हनुमान चालीसा 3 बार 3 बार बजरंग बाण पढ़ के उसके बाद एटलीस्ट आपका अहित नहीं होगा और कोई भी शक्ति आएगी वो चली जाएगी। आपका कल्याण हो, आपकी साधना सफल हो, ऐसी मैं नारायण भगवान मेरे ईष्ट गुरु से प्रार्थना करूंगा, मनोकामना करूंगा। प्रभु श्री नारायण आपके द्वार खोल दें, सुख समृद्धि के, तरक्की करें। जय श्री राम, नमो नारायण, जय महाकाल, हरिओम।